आपको बता दें, ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर चोरों द्वारा दुकान से नकदी और ज्वेलर्स चुराने का मामला सामने आया। हाथरस जिले के थाना कोतवाली शास्त्री क्षेत्र के NH-93 स्थित सेंट्रल बैंक के बराबर स्थित महक ज्वेलर्स का है। यहां बेखौफ चोरों ने बीती देर रात ज्वेलर्स की दुकान की दीवार को काटकर दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद चोरों ने दुकान के अंदर रखी हुई नकदी और ज्वेलर्स को चुराते हुए लाखों रुपयों की चोरी को अंजाम दिया। आपको बता दें, ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर चोरों द्वारा दुकानों से नकदी और जेवरात चुराने का एक ऐसा मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली शास्त्री क्षेत्र के NH-93 स्थित सेंट्रल बैंक के बराबर स्थित महक ज्वेलर्स का है। यहां बेखौफ चोर ने बीती देर रात ज्वेलर्स की दुकान की दीवार को काटकर दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद चोरों ने दुकानों के अंदर रखी हुई नकदी और ज्वेलर्स को चुराते हुए लाखों रुपए की चोरी को व घटना को अंजाम देते हुए बेखौफ चोर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना कोतवाली शास्त्री पुलिस ने छानबीन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है ये जो पूरी बताना आप जी? पीछे से लेंटर काट कर गए, अंदर दुकान में प्रवेश करके अलमारी तोड़ ली पूरी। किसकी दुकान है आपकी? सराफे की। सराफे की। लगभग कितना नुकसान हुआ है जी? 35 से 40 किलो तो चांदी जा गई, जहाँ 25 डुब्बा है और 400 ग्राम लगभग कॉलर चेन लॉन्ग। और नगद कितना हुआ है? नगद कितना हुआ है? नगद वो 80,000 रुपए का गिर, 30-35,000 रुपए का गिर, 50-50 की गट्टी, 10 पैकेट ले हुए मैंने सेंट्रल बैंक से। ये चोरी कब हुई है? ये तो सुबह 8 बजे मालूम पड़ी है, रात की घटना है। यानी शटर काट के हुई है या नहीं? लेंटर पीछे काट के, बैक से लेंटर काट के। सुना की दुकान में चोरी का मामला है, सर क्या है पूरा मामला? ये शास्त्री में ज्वेलर्स की शॉप है और अभी सुबह जब ज्वेलर शॉप खोल के देखा तो उसमें पाया गया कि उसकी दुकान में काट कर पीछे से और चोरी कर रखी है। मौके पर डॉग स्क्वाड को भेज दिया गया है, फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है और उसमें छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही उसमें गिरफ्तार की जाएगी।